20,000 के नीचे बेस्ट स्मार्टफोन की कंपैरिजन है। हमने इंडिया में 20,000 के नीचे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कर रखे हैं और उनमें से बस 5 को इस वाली लिस्ट के ऊपर डाला है। इस प्राइस पॉइंट पे हमको ऐसे कुछ फोन मिल जाते हैं जिनमें फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर है और कुछ ऐसे भी है जो चलाने लायक भी नहीं होता। क्या देखो 20,000 रुपए के अंदर फोन बनाना तो सब कुछ टॉप लेवल का नहीं डाल सकते। तो इस वाली वीडियो में ओनली तगड़े फोन आपको दिखाएंगे। सबसे पहला हमारी लिस्ट के ऊपर सैमसंग की तरफ से आ रहा है A14। देखो हर चीज ना ऐसे पेपर पे जन्म पत्री जो लिख के आते हैं फोन की वो नहीं होती। काफी लोग होते हैं जो एक दो ब्रांड के ज्यादा करीब होते हैं। सैमसंग डेफिनेटली वो एक ब्रांड है जिसके लिए लोग थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा देते हैं। और ये वाला स्मार्टफोन भी अगर आप एक्चुअली देखोगे तो काफी हद तक आपको एस सीरीज वाली फील तो डेफिनेटली देगा। और सैमसंग जो ए सीरीज है वो डेफिनेटली भाई काफी डिपेंडेबल होती है। एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर लगा रखा है, 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है जो फोटो भी अच्छी खींच के देता है। फ्रंट में बेजल थोड़ी बड़ी है और मतलब इस प्राइस पॉइंट पे एलसीडी मिलता है, बट सैमसंग के डिस्प्ले अच्छे होते हैं। और ओवरऑल मैं बताऊं काफी एक बैलेंस स्मार्टफोन है, एकदम बेस्ट तो की चीज मैं नहीं बोल सकता, बट इस वाले में एक डिपेंडेबल एक्सपीरियंस मिला है। 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट भी है। बट अगर आपको सैमसंग की तरह एक फोन लेना है तो भाई 16,000 रुपए का आता है, तो मतलब 15,000 से थोड़ा सा ऊपर है, 20,000 के नीचे वैसे कर तो रहे हैं। एक चीज मेरे को इसमें दिक्कत लगी, 15 वाट की चार्जिंग थोड़ा धीरे धीरे चार्ज होता है। दूसरा हमारी लिस्ट पे भाई रेडमी का नोट 12 भी अभी भी टिका हुआ है, बढ़िया अपना रफ्तार से दौड़ रहा है। इस प्राइस पॉइंट में एमोलेड डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज, आपको चलाने में डेफिनेटली मजा आएगा। ब्राइटनेस भी सही है, 1200 निट्स के अराउंड है। 48 मेगापिक्सल एक प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी दे रखा साथ में। पर एक चीज में थोड़ा पीछे रह जाता वो है इसकी परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 RS के अंदर रैम भी 4GB, इस प्राइस पॉइंट में 6-8GB आया था। ओवरऑल रेडमी की तरफ से एक सही स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर होती तो और मजा आया था, बट इसका प्राइस आपको बढ़ता 18,000 रुपए। नेक्स्ट जिस स्मार्टफोन ने काफी ज्यादा सरप्राइज करा, मतलब ऑन पेपर अगर आप देखो ऐसा वो बहुत तगड़ा स्मार्टफोन नहीं लगता, बट भाई हाथ में यूज करने में अलग ही फील आ जाती है, रियलमी का 10 Pro। इस फोन में भाई सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका डिस्प्ले। भाई बेजल एकदम ही कम है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा भाई, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में भी थोड़ी थोड़ी बेजल आ जाती है, इसमें तो एकदम ही गायब कर दिए। डिस्प्ले है भी 120 हर्ट्ज का बट है एक LCD डिस्प्ले, अगर AMOLED डिस्प्ले होता तो मजा ही आ जाता। सबसे तगड़ी चीज भाई इस वाले स्मार्टफोन की है पीछे के साइड पे 2 ही कैमरा लग रहा है, आप इसको हल्के मत लेना, कैमरा जबरदस्त। कभी कभी आप चौंक जाओगे, 20,000 के नीचे का फोन है। डायनेमिक रेंज जो फोटोज है बहुत ही ज्यादा प्यारी निकाल के देता है, जैसे मैंने अभी बैठे बैठे अयान भाई की फोटो खींच ली थी, बैक साइड में हरियाली हरियाली देखो भाई क्या प्यारी आ रखी है। इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा भाई, परफॉर्मेंस में भी देखो मैं आपको एकदम अंदाजे से बताता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 695 मतलब एक डिसेंट प्रोसेसर बोला जा सकता है, इससे थोड़े बेटर भी आते हैं। प्राइमरी तो बहुत तगड़ा है बट अल्ट्रा वाइड ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो सेकंड वाला है ये समझ लो दिखाने का ही है। 5000 mAh बैटरी भी है, पकड़ो थोड़ी जैसे फ्लैट साइड है, हल्की आईफोन या सैमसंग वाली जो फील है अपनी फ्लैगशिप वाली वो भी आ जाती है इसके अंदर। एक चीज मेरे को पसंद नहीं आई, इसमें खोल हो गया ना तो हॉट टैब हॉट गेम आती रहती है और नोटिफिकेशन भाई दिन भर 19,000 का मिलता है। कैमरे वाला फोन लेना भाई डेफिनेटली मजा आएगा। पर एक और फोन है जो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है बट काफी डिफरेंट भी है, क्योंकि ये है OnePlus का Nord CE 2 Lite। ये भी काफी सिमिलर है भाई, 6.6 इंच की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, LCD, Snapdragon 695 प्रोसेसर है, बैटरी बैटरी भी सेम है 5000 mAh, 33 वॉट की चार्जिंग है, कैमरे में थोड़ा पीछे 64 मेगापिक्सल कैमरा इसमें, और प्राइस इसका सेम आता 19,000 रुपए। अगर कोई OnePlus का प्रेफर करता है तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मोटरोला का G82, 1 साल पुराना स्मार्टफोन है। आप बोलोगे इसको क्यों लगा दिया लिस्ट के ऊपर, बट मैं देखो एकदम सीरियसली बताता हूँ क्यों। हो क्या रहा है कि 1 साल में ऐसा नहीं कि प्रोसेसर में बहुत ही कुछ बड़ा चेंज आ गया, कैमरा में बहुत ही बड़ा चेंज आ गया, बट एक चीज में चेंज आया था वो है प्राइस। प्राइस काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है। 120 हर्ट्ज AMOLED इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली काफी प्यारा है, उसके बाद स्नैपड्रैगन 695 है, परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाएगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, और इस कैमरे के अंदर OIS भी ऐड कर रखा है। बेसिकली जिन लोगों ने पता हिलते डुलते अगर हमें फोटो वीडियो लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 5000 mAh बैटरी है, बैंक ऑफर मिलाओगे तो 20,000 के अराउंड का मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा बैलेंस स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। और होता क्या, मोटोरोला के स्मार्टफोन में ना स्टॉक एंड्रॉइड होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस और थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। और एक और तगड़ा पैकेज जो अभी मोटोरोला ने निकाला है वो है मोटोरोला का G73। इसमें प्रोसेसर एकदम ही नया लगा दिया भाई, MediaTek Dimensity 930 आ रहा है इसके अंदर, जो 695 से भाई काफी बेटर है परफॉर्मेंस में। 8GB रैम है, बैटरी 5000 mAh ही है, 33 वॉट की चार्जिंग है, और प्राइस कर दिया है 1,000 रुपए का, 19,000 रुपए का। और 19,000 के प्राइस पॉइंट पे स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील चाहिए, थोड़ा सा ऐसा एकदम तेज चलने वाला, थोड़ा एकदम ब्लोटवेयर फ्री, बट हाँ मोटोरोला का G73 आप बोल सकते हो काफी हद तक थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस की तरफ इसमें ज्यादा ध्यान है। एक चीज और इसमें ऐड करी है, इसमें जो कैमरा उसमें सेंसर तो फ्लैगशिप लेवल वाला ऐड कर दिए और फोटो अच्छी आ जाती है, बट मेरे ख्याल से भाई ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। परफॉर्मेंस कैमरा बैटरी तीनों चीजें अच्छी है और भाई इसके साथ साथ स्टॉक वाला एक्सपीरियंस है तो मजा आता है।
नेक्स्ट आ रहा भाई पोको का X4 Pro। इसमें सबसे पहली चीज जो हम नोटिस कर वो तो है भाई डिजाइन इसका। पोको अलग ही चमकता है और बैक साइड में इसमें कांच है भाई। इस प्राइस पॉइंट पे आता नहीं है कांच, बाकी सारे प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, कुछ में थोड़ा महंगा प्लास्टिक, कुछ में थोड़ा सस्ता प्लास्टिक, बस यही है, बट ये वाला सही है। ग्लास हाथ में पकड़ो भाई, सबसे पहले प्रीमियम तो लगता ही है, थोड़ा महंगा फोन लगता है। साइड में फिर भी पूरा प्लास्टिक है, साइड थोड़ी ना गोल्डन फील देती है, बैक साइड पूरी येल्लो येल्लो, और ऐसा लगता है कि 5-6 कैमरे लगा रखे हैं, बट है 3 ही कैमरे। ये बाकी में AI लिखा हुआ है और एक में फ्लैश लगा दी। और भाई सबसे तगड़ी चीज पोको स्मार्टफोन में यूजुअली ऐसा परफॉर्मेंस सेंट्रिक बहुत होते थे, बट इसमें डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। इसमें एक 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, बेजल भी बहुत ज्यादा कम है दिखने में भाई, ब्राइटनेस वाइटनेस भी काफी सही है, और प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 भी है प्रोटेक्शन के साथ। ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन। एक चीज और इस वाले स्मार्टफोन में मिल जाती है जो और नहीं है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh बैटरी। ना बैटरी में कॉम्प्रोमाइज है, ना चार्जिंग में कॉम्प्रोमाइज। कैमरा भी इसका अच्छा भाई, 64 मेगापिक्सल। एक फोन चाहिए भाई जिसपे डिस्प्ले बढ़िया हो, अपना ऐसे पकड़ने वकड़ने मजा आए, थोड़ा फ्लैगशिप फील दे, और पोको आपको ब्रांड पसंद है, और प्लस कैमरा भी काफी प्यारा है, तो भाई ये फोन भी काफी ज्यादा प्यारा बन जाता है। बट प्राइस एकदम 20,000 टच कर रहा है, 19,999। नेक्स्ट है भाई आईकूगा Z6 Pro। पकड़ने में काफी डिफरेंट सी फील है, ऐसा कुछ खास नहीं फील होता, काफी पतला सा फील होता है। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का AMOLED है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है आपको, फोटो वोटो खींचनी हो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी दे रखा है, और इसके साथ साथ चार्जिंग भी 67 वॉट है। पुराना स्मार्टफोन, बट एक रीजन है जिसकी वजह से इस वाली लिस्ट के ऊपर टिका है, वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 778G आपको देखने को मिल जाता है, और इस वाले प्रोसेसर को इस प्राइस पॉइंट पे और कोई नहीं बीट कर पा रहा। डिस्प्ले कैमरा बैटरी थोड़ा कम करके इसमें भाई परफॉर्मेंस में एकदम टॉप करा दिया इस वाले स्मार्टफोन को। ये Z6 Pro है, इसका ना एक नया वर्जन भी निकाल दिया, Z7 भी निकाल दिया, उसमें क्या करा परफॉर्मेंस को कम कर दिया, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर ऐसे बैलेंस कर दिया, थोड़ा डिजाइन विजाइन में इंप्रूव कर दिया, डायमेंशन 920 ऐड कर दिया, कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दिखने पकड़ने में नई सी फील है, 6.4 इंच की स्क्रीन है, और इसमें अल्ट्रा वाइड आ रहा है, उसमें अल्ट्रा वाइड हटा के एक मैक्रो लगा दिया, बट हाँ भाई वो भी ओवरऑल एक बैलेंस स्मार्टफोन है। बट अब आ गया भाई टाइम फाइनल बताने भाई, कौन सा तराजू में ऊपर कौन सा तराजू में नीचे जा रहा है। देखो सीधा सीधा बताता हूँ, मैंने भाई कैटेगरी डिवाइड कर दी, बैटरी कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले, हर कैटेगरी में जो टॉप पे आ रहा वो मैं आपको बताता हूँ, उसके सेकंड प्लेस में बताता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट प्लेस डिस्प्ले में भाई मोटरोला का G82 आ जाता है, क्योंकि 10 बिट का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे एकदम नेक्स्ट लेवल। और भाई नेक्स्ट पोजीशन है पोको X4 Pro, इसमें भाई 120 हर्ट्ज है AMOLED एकदम तगड़े। इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले भाई फ्लैगशिप लेवल आप डेफिनेटली बोल सकते हो। की अगर बात करें गेमिंग वेमिंग के लिए लेना आईकू Z6 Pro 778, इसको बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सेकंड नंबर पे काफी सारे स्मार्टफोन्स में डायमेंसिटी 920 आ रहा है, बट उसका एक बड़ा भाई डायमेंसिटी 930, ये एकदम फ्रेश नया प्रोसेसर है, तो इसमें गेम में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने में हो सकता है भाई थोड़े एक दो महीने लग जाए, बट भाई ओवरऑल सेकंड नंबर परफॉर्मेंस में मोटो G73 को देना पड़ेगा। थर्ड आता भाई कैमरा, इसमें भाई रियलमी के स्मार्टफोन ने डेफिनेटली भाई मस्त धमाल मचाया है, काफी ज्यादा प्यारी इमेजेस, सिंगल कैमरा ये बैक साइड वाला, बट जो फोटो आता वो भाई फ्लैगशिप से काफी सिमिलर आप इमेज बोल सकते। बेस्ट बैटरी में देना पड़ेगा भाई हमको पोको X4 Pro, क्योंकि इसमें भाई फास्ट चार्जिंग 67 वॉट की प्लस 5000 mAh बैटरी भी आती है, थोड़ा सा बेटर चलने वाली बैटरी है, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है भाई 67 वॉट फास्ट चार्जिंग प्लस 5000 mAh की बैटरी भी, वो पोको का X4 Pro, तो इसको भाई नंबर वन स्पॉट मिल जाता है। बाकी सबकी काफी सिमिलर है, किसी में OIS ऐड कर दिया, किसी में कुछ कुछ चीजें कर, बट ऑलमोस्ट सारी चीजें बराबर बराबर है, हमको फिनिश्ड ऐसा विनर नहीं मिला जो हमारा टॉप लेवल से कम्पीट कर पाए। बट हाँ भाई यही था इस वाली वीडियो के लिए, होपफुली भाई आपके दिमाग में आ गई हो क्लैरिटी और आप अपना फोन ले पाए हो बड़े आराम के, भाई दबा देना सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, चलो बाय बाय।